जींद से बड़ी खबर ये आ रही है कि जींद के जाट वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के स्टाफ का धरना लगातार जारी है। पिछले 14 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिल पाने के कारण आंदोलन की राह पकड़े हुए हैं यह स्टाफ। चौधरी छोटूराम के चित्र पुष्प अर्पित कर रोजाना करते हैं अनशन की शुरुआत। नहीं कर रहा प्रशासन सुनवाई। जाट शिक्षण संस्था के विवाद के कारण सरकार द्वारा जींद के एसडीएम को पिछले काफी समय से किया गया है प्रशासक नियुक्त। स्टाफ सेक्रेटरी वीरेंद्र ढुल की अगुवाई में 40 दिन से आंदोलन कर रहे हैं शिक्षक और गैर शैक्षणिक स्टाफ। वीरेंद्र ढुल ने कहा है कि 26 नवंबर को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का करेंगे समर्थन। आज हमारे धरने का 40वां दिन है और आज हमने टोल छोटराम जी का जन्मदिन 24 नवंबर को मनाया जाता है वो मनाया है। और यहाँ देखो सामने आज हमारे धरने को 40 दिन हो गए। किसी भी अधिकारी ने आज तक हमारी कोई सुध नहीं ली। सरकार हालांकि अच्छे काम कर रही है लेकिन अधिकारी सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसे काम करते हैं। नहीं तो कोई भी अधिकारी कहीं कभी तो कोई तो मिले आके कभी तो इंसाफ होना चाहिए। 60 आदमी बैठे हैं घर में 40 दिन से लगातार बैठे हैं कोई भी सुध नहीं ले रहा। और हम 26 तारीख को किसानों के साथ किसानों का समर्थन करते हैं। जो किसानों के साथ इन्होंने 3 अध्यादेश पास किए हैं हम जाट स्कूल और स्टाफ उनका समर्थन करता है। और 26 नवंबर को आने वाला 26 नवंबर को जो संविधान दिवस है संविधान दिवस को हम काला दिवस के रूप में मनाने का काम करेंगे। अगर हमारा कोई संविधान समाधान नहीं है हमारी सरकार नहीं मिली हमारी कोई ज़्यादा बड़ी डिमांड नहीं है। हम सिर्फ तनख्वाह मांगते हैं। हमने काम किया 14 महीने से बैठे 14 महीने तक भी अगर इनको इतना टाइम में भी काम हमारी तनख्वाह दी तो आप कैसे इतने दिन हो गए क्यों नहीं दे रहे। 26 तारीख बिल्कुल जो हड़ताल में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। हम किसानों के बैठे हैं हम किसानों के साथ हैं। आपका नाम? मेरा नाम वीरेंद्र ढुल है। एज ए फिजिकल लेक्चरर कार्यरत हूँ। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।